नमस्कार। भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बंगाल की खाड़ी में लापता हुआ वायुसेना का विमान, 29 लोग थे सवार। वायुसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को दी जानकारी। नौसेना के 4 जहाजों को लगाया गया सर्च ऑपरेशन में। गोरखपुर में अखिलेश सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी। जातिवाद और परिवारवाद पर साधा निशाना। एम्स और खाद कारखाने की दी सौगात। नवजीवन अखबार मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दर्ज किया मामला। कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा भी जांच के घेरे में। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सांसद भगवंत मान की ली क्लास। कहा, वीडियो बनाने का मामला गंभीर, कार्रवाई आवश्यक। साथ ही सांसद ने शराब पीकर संसद आने का लगाया आरोप। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का किया वादा। आईएसआईएस को हराने का लिया संकल्प। अमेरिका राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवारी औपचारिक तौर पर किया स्वीकार। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुआ एयरफोर्स का एक विमान AN-32 लापता हो गया है। सुबह 9 बजे से लापता इस विमान में 29 लोग सवार थे। एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन जारी है। विमान से आखिरी संपर्क सुबह 8:46 का है, जबकि रडार पर उसकी आखिरी लोकेशन 9 बजे की है। ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए वीकली फ्लाइट है। समुद्री प्रहरी के साथ ही डानियर विमान भी बंगाल की खाड़ी में विमान की खोज में जुट गए हैं। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड का खोजी विमान भी सर्च ऑपरेशन में जुट गया है। वायुसेना प्रमुख अरुप राहा ने विमान के लापता होने की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को दे दी है। सर्च ऑपरेशन में नौसेना के 4 जहाजों को भी लगाया गया है। लापता विमान को आखिरी बार पोर्ट ब्लेयर में 129 नॉटिकल मील पर लोकेट किया गया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले पीएम मोदी शुक्रवार को पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। वही अब वह रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद से राज्य का भला नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाना बंद कीजिए। पीएम मोदी ने कहा, लखनऊ को दौड़ाने वाली सरकार चाहिए, क्योंकि मैं तो सीढ़ियां भी तेजी से चढ़ता हूं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से उन्हें सांसद चुनने के लिए यूपी की जनता का धन्यवाद किया। मोदी ने कहा, यूपी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि पूरब और पश्चिम देश के विकास के दो पहिए हैं। यहाँ किसानों के साथ अन्याय हुआ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, हम बंद पड़े कारखानों को फिर से शुरू करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय नवजीवन अखबार मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अनेक सरकारी अधिकारियों और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पदाधिकारियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा समेत अनेक कांग्रेसी नेता कानूनी घेरे में आ गए हैं। ईडी इस मामले में पंचकुला स्थित AJL की इमारत को भी जब्त कर सकता है। पहली बार किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने कांग्रेस की नामी संस्था के खिलाफ सीधा मुकदमा दर्ज किया है। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नवजीवन अखबार चलाने के नाम पर करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को दी थी। संसद परिसर के लाइव वीडियो को फेसबुक पर दिखाने को लेकर विवाद में आए आम आदमी पार्टी के सांसद शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के सामने पेश हुए। महाजन ने भगवंत मान से वीडियो पर नाराजगी जताई। वही भगवंत मान ने अपनी ओर से इस वीडियो पर सफाई दी। मान से सुमित्रा महाजन ने कहा कि वीडियो बनाने का मामला बेहद गंभीर है और मैं समझता हूं कि इस मामले में उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। महाजन ने मान को स्मरण कराया कि संसद की सुरक्षा के लिए एक बार 13 लोग स्वयं को कुर्बान कर चुके हैं। उन्होंने मान को कहा कि वे इस मामले पर गौर करेंगी। उधर सरकार ने सदन में कहा है कि मान का वीडियो बनाने का मामला सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने जैसे हैं और इसे आतंकवादियों को मदद मिल सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने मान पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के संसद वाले वीडियो पर शुक्रवार को लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही शोर शुरू हो गया। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी वीडियो पर आपत्ति जताई, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई
को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही भी भगवंत मान पर हंगामे के बाद सोमवार के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले भी ऊपरी सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए जबकि फिर 12:32 तक के लिए स्थगित किया गया। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया और महेश गिरी ने भगवंत मान के वीडियो मामले पर शून्यकाल में चर्चा के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। आपसे बर्खास्त सांसद हरिंद्र सिंह खालसा ने भगवंत मान पर शराब पीकर संसद आने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो भगवंत मान से बहुत परेशान है। हरिंदर ने लोकसभा स्पीकर से संसद में अपनी सीट बदलवाने का अनुरोध भी किया है। हरिंदर ने कहा, मैंने लोकसभा स्पीकर को कहा है कि मेरी सीट बदल दीजिए क्योंकि मैं भगवंत मान से बहुत परेशान हूँ। कई बार भगवंत मान के पास के शराब की गंध आती है। उन्होंने कहा, मैंने इस मामले को कई बार केजरीवाल के सामने भी उठाया लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी में सिर्फ ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। संसद के वीडियो मामले पर हरिंदर ने कहा, हमारी पार्टी ने नेता संजय सिंह कहते हैं कि भगवंत मान ने जो वीडियो बनाया है उसमें कोई गलत बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी को औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए अमेरिकियों से उन्हें व्हाइट हाउस में चुनने की अपील की। उन्होंने गोलीबारी एवं हमलों से जूझ रहे देश में कानून व्यवस्था फिर से स्थापित करने और अमेरिका को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखने का संकल्प लिया। 70 वर्षीय रियल एस्टेट दिग्गज ने स्वयं को कानून व्यवस्था के लिए उम्मीदवार करार दिया और ISIS को हराने का संकल्प लिया। उन्होंने मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का संकल्प दोहराया और जोर दिया कि आतंकवाद के मामले पर समझौता करने वाले देशों से आवर्जन पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रही मेट्रो TV से। नमस्कार।